केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में राशन सामग्री वितरण मामले का हाल जाना। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा राज्य भर में राज्य में लौट रहे प्रवासियों को भी राशन सामग्री दी जा रही है, जिसको लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश में स्थिति जानी। इस दौरान खाद्य सचिव सुशील कुमार भी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के सामने उत्तराखंड में आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की। भारत सरकार के जो खाद्य मंत्री हैं जी, उनकी वीसी के माध्यम से अपने राज्यों की सारा विषय सब माननीय मंत्री में लग रहे थे जी। हमने अपने राज्य से संबंधित दो विषय रखे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन पर दोनों पर न केवल विचार करने को अपितु सचिव को निर्देश दिए कि सरकार। नंबर एक, जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं जी, उनकी लिमिट उन्होंने जो हम राशन उनको देंगे अगले दो महीने तक लगातार, तो वो उन्होंने एक लिमिट रखी थी 10%। एक तो हमने कहा कि वो 10% की लिमिट जितने एक्चुअल है उतने रखें। दूसरी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनका राशन कार्ड देखे, जिनके पास उन राज्यों में राशन कार्ड है उनको नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि जब आदमी ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आपदा में घर छोड़ता है तो वो कपड़े लेके राजा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो कहाँ से राशन कार्ड उठा के लाएगा कि राशन मुझे राशन भी लेना है। तो हमने कहा राशन कार्ड की शर्त हटाइए, आपदा मानकर दो महीने उनको राशन मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात को मान लिया और कहा कि आगे सब राज्यों को कहा कि सचिव को सब राज्यों से बात करके इसको ओके करिए। दूसरी वन नेशन वन कार्ड की बात हुई, उसमें हमने अपने राज्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है। ठीक है, हमने शुरुआत की है, सीएससी के माध्यम से हम करेंगे, लेकिन हमें इंटीरियर में दिक्कत आ रही है। इंटीरियर में जब हम सीएससी को कहते हैं कि आप मशीन लगाइए, तो मशीन की कॉस्ट लेके और वहाँ केवल 200 ही राशन कार्ड है, 100 ही राशन कार्ड है, तो उससे उनका खर्चा नहीं हो रहा है। बाकी जिलों में हमने काम शुरू कर दिया, उसका कोई वाया मीडिया हम निकाल रहे हैं और हमने अगस्त तक हमने कहा कि हम काम शुरू कर देंगे। बता दें कि रामविलास पासवान ने शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की सलाह मशवरे को मानते हुए पूरे देश भर में राज्य में आ रहे प्रवासियों को राशन कार्ड की बाध्यता दिखाना समाप्त कर दिया है और मौजूदा समय की आपदा मानते हुए दो महीने का राशन देने की बात स्वीकारी है। ये हर एक नागरिक के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।